आपका पर्सन अभी फोकस कर रहा है ताकि सब ठीक हो पाए, और उससे भी ज़्यादा वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि वो हर बार अपने पास्ट के ट्रॉमा के कारण गलतियां ना कर बैठें। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपका पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट बिहेव कर रहा है। हाँ, ये सच है कि आप दोनों का कनेक्शन टूट गया था, पर वो फिर भी आपके लिए केयर करते थे और ये चीज़ वो शो भी कर रहे थे, पर पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं और यही चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर रही है कि अचानक से क्या हो गया कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जब वो आपके लिए केयर कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि उनके मन में आपके लिए अब तक प्यार है, तब तक सब सही था। आपको भी लगा था कि ठीक है, चलो वो मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम वो मुझसे प्यार तो करते हैं। आपको शायद ऐसा लगा था कि आपके पर्सन को ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए आप उन्हें वो ब्रेक दे रहे थे, पर अचानक उनके इस बिहेवियर ने आपको काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है और इसीलिए आप एक क्लोजर की तलाश में हो कि वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या उनके दिल में आज तक आपके लिए प्यार है? क्या ये प्यार कभी एक सॉलिड फॉर्म ले पाएगा या फिर उनके दिल में ही रह जाएगा? इन सब सवालों के चलते आप किसी और चीज़ पर अपना ध्यान टिका नहीं पा रहे हो, और ये एक बड़ा लेसन है कि आप अर्जेंटली इस चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हो ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सको और आपके पास आपके सवालों का जवाब हो। वैसे तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपका पर्सन आपसे अभी भी प्यार करता है। ये शायद आपके लिए सुनने में अनबिलीवेबल हो, पर यही सच है। अभी उन्होंने खुद को आपसे जानबूझकर दूर कर लिया है ताकि उनको थोड़ा स्पेस मिल सके। उन्हें अभी स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो अपनी लाइफ में चीज़ें फिगर आउट कर सकें। रिसेंटली उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं जिन्होंने उनको ये याद दिला दिया है कि उनका पास्ट कितना बदतर था। उनके अंदर एक डर काम कर रहा है, आपको खोने का डर, दोबारा हार जाने का डर, और यही सब रीज़न है कि वो अभी आपसे दूर भाग रहे हैं। शायद ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि उनके साथ कुछ हुआ है और आपको कानों कान खबर नहीं मिली। बात ऐसी है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी वैसे भी काफ़ी उलझ गई है और वो आपको फर्दर परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो आप पर एक बर्डन ना बने। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, पर एक बात ये भी है कि कभी कभार किसी का हाथ छोड़ना पड़ता है ताकि उसको और कस के पकड़ा जा सके। आपका पर्सन भी वही करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि वो आपसे और क्लोज हो जाएं और आपको वो सब कुछ दे सकें, वो सारा प्यार दे सकें जिसके आप पूरे पूरे हकदार हो। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी की बातें झूठ हो सकती हैं, किसी के एक्शंस फेक हो सकते हैं, पर जो उनके दिल में है, जो एनर्जी वो शो करते हैं, वो कभी फेक नहीं हो सकती। एक इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर अपने आप से वो कैसे झूठ बोलेंगे? आपका पर्सन आपके सामने जितना भी दिखाए कि वो केयर नहीं करते, उन्हें परवाह नहीं है, पर उनके दिल में जो है वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बस प्यार नहीं, एक जज्बा है जो उन्हें बेटर होने के लिए मजबूर कर देता है। वो खुद की ही फीलिंग्स को जितना भी दबा के रखें, उन्हें ये पता है कि जो सच्चा प्यार उनके मन में आपके लिए है, वो कभी मर नहीं सकता। वो ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ रह के वो ऐसा फील करते हैं जैसे वो अपने घर में रह रहे हों, और ये चीज़ बहुत प्यारी है। उनके दिल में आपके लिए जैसे पैशन है, वैसे ही ये कंपैशन भी है। वो आपको हर पॉइंट पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे कीमती इंसान हो जिसको उन्हें हमेशा बचाकर रखना चाहिए। पर आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो,
आपके अंदर जो पावर है और जो पोटेंशियल है उसको वो डिनाई नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे इंसान होना जो कभी भी किसी का बकवास टॉलरेट नहीं करता। ये चीज़ आपके पर्सन को पता है और वो इसीलिए आपको और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। पर फिर सवाल एक ही रह जाता है कि जब वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो आखिर किस बात का डर? वजह तो एक है ही, चलिए देखते हैं कि वो क्या है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील जब एक इंसान के पास्ट में कोई ट्रॉमा रहता है तो विद टाइम वो फेड तो हो जाता है, पर जो यादें हैं वो कभी नहीं मरती। ये दर्दनाक यादें हर एक नई चीज़ पे उनको ओवरथिंक करने पे मजबूर कर देती हैं, और एक इंसान एक स्टेप पीछे ले लेता है। उनके दिमाग में ये चलता है कि अगर वो ज़्यादा खुश हो गए तो शायद बाद में उन्हें ज़्यादा हर्ट भी होना पड़ेगा, और इस वजह से वो पीछे हो जाते हैं। ऊपर से आपके पर्सन के साथ रिसेंटली कुछ हुआ है जिसने उनके पास्ट के ट्रॉमा को फिर से रिवाइव कर दिया, और उनको वो सब याद आ गया जो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा देना चाहते थे। बस यही रीज़न है कि आपका पर्सन आपसे इतना दूर हो गया। पर इस बार आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप कितने अच्छे से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करते हो। आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, पर आप उसको कभी ओवरपावर नहीं करने देते हो खुद को। आपके एक्शंस आप खुद डिटरमाइन करते हो, ना कि आपके इमोशंस या आपके पास्ट का ट्रॉमा। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दर्दनाक किस्सा है, पर अगर उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो शायद ज़िंदगी में कभी कोई आगे नहीं जा पाएगा। ये सीख आपके पर्सन ने आपसे ली है, और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं बिना किसी बैरियर के। पर यह भी सच है कि अतीत का गला घोटकर मार नहीं सकते हम, और उसको हमें लेके जीना ही होगा, और ये सीखना होगा कि वो हमेशा इतना इफेक्ट ना करे कि हम प्रेजेंट में खुश ना रह सकें। आपका पर्सन अभी फोकस कर रहा है ताकि सब ठीक हो पाए, और उससे भी ज़्यादा वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि वो हर बार अपने पास्ट के ट्रॉमा के कारण गलतियाँ ना कर बैठें। आपको आपका पर्सन बहुत कुछ कन्वे करना चाहता है। सबसे पहले तो वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे नो मैटर व्हाट। वो आपके बारे में अभी भी सपने देखते हैं, और उन सपनों को वो हकीकत में बदलना चाहते हैं, और उसी पे वो वर्क कर रहे हैं। वो आप दोनों के बॉन्ड को एक सीरियस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए वो हर दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि प्यार इतना स्ट्रांग हो सकता था, और उसका पावर इतना है कि वो किसी को भी एक अच्छे इंसान में बदल सकता है। आप आए इसलिए उन्हें पता लगा कि सच्चा प्यार आखिर क्या होता है। उन्होंने जब पहली बार आपको देखा था तभी उनके दिल को पता था कि आप स्पेशल हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, और ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। इनिशियली जब आप दोनों का बॉन्ड टूटा था तो आपके पर्सन ने ऐसा दिखाया था कि आप दोनों अच्छे दोस्त रह सकते हो, पर वो बस दोस्त रहना नहीं चाहते हैं, और ये तो अब तक काफ़ी क्लियर हो ही चुका है। वो बस यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो आपसे मिल सकें और आपको अपने दिल की सारी बातें बता सकें। वो वेट नहीं कर सकते कि कब वो पल आएगा जब आप दोनों दोबारा एक हो जाओगे। उनके दिल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, पर जब आप उनके पास होते हो तो वो सब एनर्जी गायब हो जाती है, और उनके मन में बस पॉजिटिव चीज़ें चलती हैं। वो अपने रियल सेल्फ को ढूंढ रहे हैं, और इस जर्नी में आगे चल के आपका साथ चाहते हैं। वो भी रेडी नहीं है कि वो सीरियसली कमिट कर सकें, क्योंकि उनके खुद के अंदर एक लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई तब ख़त्म होगी जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए, और तब वो डरेंगे नहीं कि उनका दिल टूटेगा या ऐसा कुछ। वो ब्रेवली आगे जाएंगे और लड़ेंगे आपके हाथ में हाथ देकर। आपको बस स्ट्रांग रहना है और अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखना है। एवरीथिंग विल बी ओके।
मैं यूनिवर्स हैज योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। यूनिवर्स आपको यहाँ खुद को रिलैक्स करके अपने लिए कुछ करने के लिए बोल रहा है। फिर चाहे वो दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, मूवी देखना हो, बुक पढ़ना हो, मेडिटेट करना हो, कुछ भी ऐसा करना हो जो आपकी सोल को आराम पहुँचाए, जॉय पहुँचाए, आपको वो करना है ताकि आप खुद के साथ जो मिसिंग कनेक्ट है उसे दोबारा एस्टैब्लिश कर सको। उनको लगा आप रोओगे तड़पोगे, लेकिन कैसे आपने बाजी पलट दी। जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।